जय श्री केदार। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। अगर आप इन दिनों जा रहे हैं चार धाम यात्रा के लिए या फिर प्लानिंग कर रहे हैं केदारनाथ धाम यात्रा की, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है आप सभी के लिए। तो आप इसे शेयर जरूर करें अपने सभी मित्रों और परिवार गणों के साथ में, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके कि आने वाले समय में उन्हें क्या नियमों का पालन करना पड़ेगा चार धाम यात्रा या फिर केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक चार धाम यात्रा में 22 मौतें हो चुकी हैं और सभी की मौतों का कारण एक ही था, हृदय गति रुकने की वजह से। तो दोस्तों, अगर आप इतनी ऊंचाई पर जा रहे हैं और मौसम भी आपके अनुकूल नहीं है, तो ऐसी चीज़ें होना स्वाभाविक है। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपको बहुत ही संभल कर ऐसी यात्रा करनी चाहिए। चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अभी तो चारधाम यात्रा की शुरुआत है और शुरुआती दिनों में ही 22 मौतों का होना बहुत ही बुरी और बहुत ही बड़ी खबर है। चारों धामों में यात्रियों के उमड़ रहे सैलाब से व्यवस्थाएं पस्त होती नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने रिपोर्ट तलब की है, तब कहीं जाकर स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड सरकार अपनी हरकत में आई है और उन्होंने आने वाले यात्रियों के लिए एक हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। दोस्तों, यहां पर आपको कुछ नियमों को मानना पड़ेगा और क्या है वो नियम, मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूं। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आगे बढ़े, मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए और ताज़ा न्यूज़ के लिए, जिससे कि आपको अपनी यात्रा में गमता हो और लाभदायक हो। तो दोस्तों, एक हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है जिसके माध्यम से जिसके नियमों को आपको पालन करना होगा। साथ में आपको अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है, तो पर्यटन विभाग के पोर्टल पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराना होगा, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन चेक होगा। और उसके साथ ही चार धामों में यमुनोत्री और केदारनाथ में संख्या को सीमित करने की बात पर विचार किया जा रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि चार धामों में से यमुनोत्री और केदारनाथ में यात्रियों की संख्या निश्चित कर दी जाए। तो दोस्तों, एडवाइजरी के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही आप अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, आप यदि बीमार हैं पहले से, तो आपके अपने डॉक्टर का परामर्श का पर्चा, साथ में आप वो दवाएं जो कि आप डेली बेसिस पर लेते हैं वो आपको साथ रखनी होगी। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग हैं या फिर आप काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं या फिर आप कोविड से ग्रसित रह चुके हैं, तो फिर आप अपनी यात्रा पर ना जाएं और कुछ समय के बाद आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तीर्थ स्थलों पर पहुंचने से पहले मार्ग में आप एक दिन का विश्राम अवश्य करें। गर्म कपड़े, ऊनी वस्त्र हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि पहाड़ों पर भरोसा नहीं है, मौसम कभी भी चेंज हो सकता है। हार्ट पेशेंट्स यानी कि हृदय रोगी, श्वास रोगी, डायबिटीज़ के पेशेंट्स और साथ में हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को ऊंची यात्रा करने में काफ़ी परेशानी हो सकती है ऊंचाई वाली जगह में, तो आप उसमें सावधानी बरतें। सिर दर्द होना, उल्टी, चक्कर, खांसी या फिर सांस फूलने पर, हाथ पैर ठंडे पड़ने, होंठ नीले पड़ने या फिर सांस ना आने, हृदय की गति तेज होने पर अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे या फिर 104 एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। अपने स्किन को धूप से बचाने के लिए सनस्क्रीन SPF 50 का उपयोग करें। साथ ही अपनी आंखों को बचाने के लिए सनग्लासेस का उपयोग करें। पानी पीते रहें और भूखे पेट बिल्कुल भी ना रहें। लंबी पैदल यात्रा में बीच बीच में रुककर विश्राम करें, ताकि आपको थकान कम हो। ऊंचे स्थानों पर व्यायाम बिल्कुल भी ना करें। साथ में अगर आपको कोई भी परेशानी होती है अपने स्वास्थ्य से संबंधी, तो आप 104 पर कॉल करके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ले सकते हैं या फिर एम्बुलेंस के लिए आप 108 नंबर पर कॉल करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी प्रकार से लाभदायक है, तो मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी को आसानी हो यात्रा करने में और उनकी स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियाँ हैं वो भी ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही ताज़ा जानकारियों, लेटेस्ट अपडेट के लिए और हेल्पफुल टिप्स के लिए। जय श्री केदार। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।